पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी के माध्यम से पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति तो हो गई है, जिसमें 1,30,000 शिक्षक बिहार में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया का दूसरा चरण, कल से शुरुआत इसकी हो गई है परीक्षा की। जो चर्चाएं चल रही थी अलग अलग विषयों में, जो शिक्षक थे उनकी पद खाली थी, उनको भरने के लिए बिहार सरकार के तरफ से एक पहल की जाती है, दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया होती है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि तीसरे चरण की भी बहाली होगी बिहार के शिक्षकों के लिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने अचानक से एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कहीं ना कहीं जो दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो थोड़े बहुत परेशान ज़रूर हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा फैसला उन्होंने ले लिया है, अब कहीं ना कहीं वो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरआई एग्ज़ाम, आज से होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के समय सारणी में अचानक से बदलाव कर दिया गया है। कैसा बदलाव किया गया है तो आपको बताएं कि चक्रवाती तूफान की वजह से, और साथ ही साथ कई लोगों के जो शिकायत मिल रही थी कि ट्रेनों की लेट की वजह से बस जो है वो समय से नहीं चल रहे, चूँकि ठंडा का दिन है और ठंडे के दिन में दूर जगहों से लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसे में उनकी परेशानियां सबसे ज़्यादा हो रही थी। 12:30 बजे की बजाय अब 2 बजे परीक्षा शुरू होगा। कई शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो परेशान भी थे कि इतना देर पहले भी आ गए, कई शिक्षक आराम भी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी पहल है। इसको लेकर के जानकारी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान मिचौंग की वजह से कई ट्रेन लेट होने के कारण जो 12 बजे से प्रारंभ होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा थी वो 2:30 बजे से संचालित होगी। बीपीएससी ने इसकी जानकारी दी है। आयोग की वेबसाइट पर सूचना अपलोड की गई है। सचिव रविभूषण ने इसकी जानकारी दी है। सुविधाओं को ध्यान रखा गया है। अब बता दें आपको कि चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इसको लेकर जो ट्वीट किया है वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि विभिन्न ट्रेनों के देरी के चलते 8/12/2023 को टीआरआई अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक परीक्षा सेंटर में प्रवेश करने दिया जाएगा और परीक्षा 2:30 में शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज कर समय में बदलाव की सूचना दे दी गई है। हजारों की संख्या में आयोग को ट्रेन लेट होने की सूचना अभ्यर्थियों ने दी। रेल में सत्यापन और समन्वय के बाद निर्णय लिया गया है। आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को यातायात पर विशेष नजर रखने तथा आमजन से अभ्यर्थियों को केंद्र तक समय पर पहुँचाने में सहयोग करने की भी अपील की गई है। तो अचानक से हुए इस बदलाव के बाद शिक्षक अभ्यर्थी एक तरफ जहाँ थोड़ी बहुत परेशान है तो वो थोड़े बहुत आराम भी होता हुआ उनको दिख रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इस तरीके से अपना जो है वो आदेश दिया है और आदेश देने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को आराम जरूर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बीपीएससी और शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।